हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे रवा या सूजी के लड्डू। इसमें हम मिक्स करेंगे कोकोनट और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको बना के रख सकते हैं, ये 1 से 2 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। सूजी या रवा के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1.5 कप या फिर 1.5 कप सूजी या रवा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाली सूजी ली थी, पर इसको मैंने पीस लिया है। तो या तो आप नॉर्मल सूजी ले लें या फिर जो फाइन रवा है उसका यूज़ करें। जो रवा हम उपमा बनाने या हलवा बनाने में यूज़ करते हैं आप उसको ना करें, क्योंकि वो अच्छे से जो है पानी में पकेगी नहीं और उसका जो टेस्ट है मुँह में आएगा। तो मुझे स्पेशली वो टेस्ट पसंद नहीं है जब वो मुँह में एकदम किरकिर सा आता है। तो इसलिए आप नॉर्मल सूजी लें और उसको मिक्सी में पीस लें। तो ये 1.5 कप पिसी हुई सूजी है। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप और 1/4 कप मतलब 1/4 कप चीनी या शक्कर। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप नारियल का बुरादा। आप चाहें तो फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। पर मेरे पास है कुछ कटे हुए बादाम और काजू। यहाँ पर है सजाने के लिए पिस्ते, इलायची पाउडर करीब 1/4 टीस्पून, घी और 1 ग्लास पानी। तो आइए बनाते हैं सूजी और नारियल के बहुत ही टेस्टी लड्डू। मैंने यहाँ पर पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। हम इसमें 1 स्पून ऑफ घी का डालेंगे और इसमें डाल देंगे ये नट्स और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम सौते कर लेंगे। तो यहाँ पर नट्स में आप चिरौंजी, किशमिश, अखरोट, किसी भी नट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए नट्स जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम इसमें 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसको पैन पे फैला लें थोड़ा सा और अब हम इसमें ये रवा या सूजी डाल देंगे। और अब हमें सूजी को करीब 7 से 8 मिनट तक अच्छा कलर आने तक भूनना है। उसको रोस्ट करेंगे हम घी में। मैंने यहाँ पर 1.5 कप रवा या सूजी का यूज़ किया है। तो अगर आप नारियल का यूज़ या कोकोनट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप 1.5 कप की जगह 2 कप सूजी का यूज़ करें। ये देखिए सूजी को भुनते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर भून रही हूँ मैं इसको। तो आप ध्यान रखें कि आंच को बिल्कुल सिम पर लगाएं। और अब 5 मिनट बाद मैं इसमें ये कोकोनट का पाउडर डालूंगी। ये पाउडर नहीं है, एक्चुअली डेसिकेटेड कोकोनट है तो एकदम पाउडर नहीं होता है। ये सूखा वाला नारियल है। अगर आप गीला वाला नारियल यूज़ करें तो 1 चम्मच घी डालकर उसको पहले हल्का सा फ्राई कर लें, फिर उसको सूजी में मिलाएं। तो ये देखिए क्योंकि मैं सूखे वाले नारियल का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इसको डायरेक्ट सूजी में मिला दिया है और मैं इसको ऑलमोस्ट 1 मिनट तक और भूनूंगी। तो यहाँ पर ये तो मैंने स्टोर बॉट पाउडर का यूज़ किया है डेसिकेटेड कोकोनट का। आप चाहे तो सूखे नारियल को एकदम महीन साइड से जो ग्रेटर का होता है उससे घिस लें और उसको यूज़ कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सूजी है उसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया, एक सुनहरा। हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसको इसका हल्का सा ये जो पिंकिश कलर देख रहे हैं आप, सिर्फ वो देना है। ये देखिए इसको भुनते हुए 1 मिनट हो चुका है। हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि ये पैन अभी भी बहुत गर्म है। अगर आप इस पैन में इसको छोड़ देंगे इस टाइम तो हमारी सूजी जो है वो ओवर कुक हो जाएगी। तो मैं इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और आइए अब हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ये 1 कप पानी लूँगी और उसको पैन में डाल दिया मैंने। इसमें डालेंगे 1/4 कप या फिर 1 1/4 कप शुगर। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और अब हमें इसका शुगर सिरप बनाना है। तो हम इसको पहले बॉईल आने देंगे एक बार, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए है कि जिससे ये शुगर सिरप जो है वो परफेक्ट रहे। ये देखिए हमारा शुगर सिरप अब अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो शुगर की कंसिस्टेंसी है शुगर सिरप की, वो लड्डू बनाने में बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर ये थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तो हमारे लड्डुओं में एक हार्डनेस आ जाएगी, आप लड्डू नहीं बांध पाएंगे। शुगर सिरप को अब बॉईल होते हुए ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गए हैं और आइए अब हम एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा थिक हो जाना चाहिए, अभी ये थोड़ा कम थिक है। इसका मतलब मैं इसको 1 मिनट तक अभी और पकाऊँगी। तो ये देखिए 1 मिनट और हो चुका है। तो आइए हम शुगर सिरप चेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से
जो है वो हल्का सा आप देख रहे होंगे इसमें थिकनेस आ गई है। और अगर मैं ये लास्ट ड्रॉप लेती हूँ अपने हाथ में तो ये देखें इसमें मैं ये तार बना पा रही हूँ, ये देखिए। तो इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सूजी डालने के पहले ज़रूरी है कि आप गैस को ऑफ़ करें। हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये डाल देंगे अपनी रोस्टेड सूजी और कोकोनट। हम इनको अच्छे से इस शुगर सिरप में मिला लेंगे, ये देखिए। तो अभी आपको ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि हम इसको 1 घंटे ढककर रखेंगे तब ये मिक्सचर जो है वो एकदम अपनी अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। और अभी इस टाइम पर हम इसमें ये नट्स डाल देंगे, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अगर आपको इस तरह से मोटे मोटे नट्स जो है मुंह में आना पसंद नहीं है तो आप इनको पाउडर करके भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, आइए हम अपने लड्डू का मिक्सचर चेक कर लेंगे। तो आप ये देखें, ये कुछ इस तरह का हो गया है। और आपको अगर ये बहुत हार्ड लग रहा है, बाय चांस आपका मिक्सचर जो है हार्ड हो गया है और आप इस तरह से उसको नहीं जो है शेप दे पा रहे हैं, तो आप उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी डालें। घी जो है वो बाइंडिंग में हेल्प करेगा। तो अब हम जितने भी बड़े लड्डू आपको बनाने हों उतना पोर्शन लें, ये देखिए। इस तरह से हम इसको, ऐसा करने से अगर आप इसको ऐसे हिलाएंगे तो एकदम परफेक्ट गोल लड्डू बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा तभी आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। एक तो ये कि आप महीन वाली सूजी का यूज़ करें। महीन सूजी नहीं है तो आप जो रेगुलर सूजी है उसको मिक्सी में पीस लें, उसका यूज़ करें। शक्कर को आप ओवर कुक ना करें, उसकी 1 तार से ज़्यादा चाशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाएगी तो जो चाशनी वो है वो बहुत थिक हो जाएगी और जो हमारे लड्डू हैं वो एकदम ड्राई हो जाएंगे, आप लड्डू नहीं बांध पाएंगे। बाय एनी चांस अगर आपके लड्डू का मिक्सचर इस तरह की कंसिस्टेंसी का नहीं बना है तो आप उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी मिला लें और फिर आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो आप चाहें तो इस पर इस तरह से एक एक पिस्ता चिपका दें लड्डू बनाते समय, ये देखिए। आप चाहे तो उस पर बादाम लगा दें, चाहे पिस्ता लगा दें, काजू लगा दें। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।